नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आज को आपको ये दूसरी वीडियो जो बना रहा हूँ वो है फॉर्मूला किट पार्ट टू। पार्ट वन मैं आपको डाल चुका हूँ जिसमें एलजेब्रा है खासतौर पे, पॉलिनोमियल है खासतौर पे, बेसिक्स है खासतौर पे, और अब ये पार्ट टू जो है वो मेंसुरेशन की है। इस वीडियो की खास बात ये होगी कि आप सिक्स के हैं, चाहे सेवन्थ क्लास के, चाहे एट्थ क्लास के, चाहे नाइन्थ क्लास के, चाहे आप टेंथ क्लास के, चाहे आप किसी भी क्लास के, वो सभी को ये वीडियो काम आएगी। मैं इसमें फॉर्मूले थोड़े से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो मेंसुरेशन है टेंथ क्लास में दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो उसके सारे फॉर्मूले इसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहला है आपका क्यूब, इस तरीके से क्यूब बनता है, उसकी सभी साइड इक्वल होती है, कर्व सर्फेस एरिया 4a², टोटल सर्फेस एरिया 6a², अगर हम एक साइड से उसे ओपन कर दें ऊपर से या नीचे से तो 5a², वॉल्यूम 1 क्यूब, ए जहां पर साइड होती है क्यूब की। इसी तरीके से क्यूबॉइड LBHS की डायमेंशंस होती हैं, कर्व सरफेस एरिया होता है 2HL+V, टोटल सरफेस एरिया 2LBBHHL का सम, और अगर हम उसको ए ऊपर से या नीचे से ओपन कर दें जो कई क्वेश्चन में आ जाता है, तो कर्व सरफेस एरिया में हम एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ टॉप प्लस कर देंगे और वॉल्यूम होगा L×B×H, LBH लेंथ ब्रेथ हाइट होंगी। इसी तरीके से सिलेंडर होगा, सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर की हाइट आप जानते होंगे, कर्व सरफेस एरिया होगा 2πRH, टोटल सरफेस एरिया निकाले तो 2πRH प्लस 2πR², क्योंकि बेस का स्क्वायर प्लस टॉप का स्क्वायर, और अगर एक साइड से ओपन कर दें तो 2πR² की जगह πR² आ जाएगा, वॉल्यूम होगा πR²H, एच हाइट होगी, आर रेडियस होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट होगा कोन, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है πRL, πRL प्लस πR², πRL ओपन कर देंगे तो वो कर्व, और ये एक ही बात हो गई। वॉल्यूम जो है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, स्फीयर 4πR², टोटल भी 4πR², और ओपन हो ही नहीं सकता स्फीयर को, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3πR³, आर रेडियस होता है। इसी तरीके से अगर हम हेमी स्फीयर करें, हेमी मतलब स्फीयर का हाफ कर दें, तो सरफेस एरिया जो होगा कर्व सरफेस एरिया 2πR², टोटल 3πR², πR² ही हो जाएगा अगर ऊपर से ओपन कर देंगे, मतलब के यानी कि कर्व सरफेस एरिया ही बन जाएगा, वॉल्यूम होगा 2/3πR³। इसी तरीके से फिर एक नई चीज जो टेंथ क्लास में होती है फ्रस्टम, फ्रस्टम का मतलब है कोन के ऊपर से थोड़ा सा पार्ट हटा दे तो फ्रस्टम की फॉर्म में आ जाता है, जैसे बाल्टी होती है बकेट, और उसका फॉर्मूला होता है πR1+R2×L, ये टोटल सरफेस एरिया और ये वॉल्यूम, और जहां पर L² जो है R1-R2² + H². अब आपका टेंथ क्लास में एरिया रिलेटिव टू सेक्टर में ये सेक्टर होता है सर्कल का जो एक पार्ट होता है, उसका फॉर्मूला होता है θ/360πR², अगर हम लेंथ ऑफ आर्क निकालना चाहें तो होता है θ/360×2πR, क्योंकि वो सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है, अगर सेगमेंट का एरिया निकालना चाहें तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस हो जाता है। ट्रायंगल का एरिया हम 3-4 तरीके से निकाल सकते हैं, अगर ट्रायंगल में बेस और हाइट दिया हुआ है तो बहुत इजीली 1/2 बेस × हाइट, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड दी हुई है तो √3/4a², और अगर उस ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई है तो 9th क्लास के तरीके से आप हीरोज फॉर्मूले से ये निकाल सकते हैं। तो ये मैंने किट दिया आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम के लिए, खासतौर पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के लिए। मेंसुरेशन जो पार्ट होता है आपको पता होगा, मेंसुरेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक क्लास में 6 से ऑनवर्ड्स, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके बहुत काम आएगी, आपके काम आएगी, दूसरे दोस्तों को भी आप शेयर करें जरूर, उनके भी काम आएगी। इस तरीके से पढ़ाई की आप स्टार्ट कर दें। आगे मैं इसी तरीके की पार्ट 3 डालूंगा जिसमें ज्योमेट्री होगी 9th की और 10th की, और दूसरी भी चीजें जो इंपॉर्टेंट है मैं डालता रहूंगा। आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।